हमारी डिफेंस स्टडीज़ और इंटरनेशनल रिलेशंस में जो अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल है भारत में, उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे। अगर आप उसमें पहली बार ही देख रहे हैं तो आपको बहुत से इंटरेस्टिंग कोर्सेज मिलेंगे। आज का ये वीडियो ऐसे ही एक कोर्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ जो न्यूली स्टार्ट हुआ है, लेकिन बहुत ही रिलायबल जगह पे वो है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी ये प्लेस है। हालांकि मैं खुद जाके वहाँ पढ़ाई नहीं किया है मैंने, लेकिन इंडियन नेवी का एक वेबिनार मैंने अटेंड किया था जो काफ़ी हाई रैंकिंग ऑफिसर्स ने ऑर्गेनाइज किया था मुंबई यूनिवर्सिटी के साथ। और वो पूरे 2 घंटे के वेबिनार में जितनी जानकारी मैंने हासिल की, मैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, प्रभावित रहा, बिकॉज इतना अच्छा कोर्स शायद इंडिया में, भारत में आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो ये जो नया कोर्स है, इसका नाम है MA इन मैरिटाइम स्टडीज़। ये पहला कोर्स इन्होंने स्टार्ट किया है। दूसरा है MCOM, मास्टर इन कॉमर्स, विच इज़ अगेन मैरिटाइम स्टडीज़ में, और MSc मैरिटाइम स्टडीज़ में इन लोगों ने भी एक कोर्स लॉन्च किया है। नाउ व्हाई आई एम कनेक्टिंग टू थिंग्स लाइक द नेवी एंड मुंबई यूनिवर्सिटी इज़ बिकॉज इस कोर्स को डिज़ाइन करने वाली जो बॉडी है उसको अगर आप देखें तो उसमें काफ़ी बड़े लोग शामिल हैं, इंक्लूडिंग डॉक्टर श्रीकांत परांजपे जो हमारे विजिटिंग फैकल्टी थे पुणे यूनिवर्सिटी में। ही इज़ अ वेरी फेमस नेम इन दी इंडियन डोमेन ऑफ जियो पॉलिटिक्स, नेशनल सिक्योरिटी वगैरह। मैं जब डेक्कन कॉलेज में था तब उसके एक साल पहले जो वहाँ के डीन थे प्रोफेसर वसंत शिंदे, जिन्होंने राखीगढ़ी हरियाणा में काफ़ी रिसर्च किया है हरप्पन सिविलाइजेशन पे, और उनके रिसर्च ने ये साबित कर दिया कि आर्यन इन्वेजन थियरी नकली थी, एक पूरी तरह से घटिया थियरी थी जो बनाई गई। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो मैरिटाइम से, आर्कियोलॉजी से एक काफ़ी अच्छी बॉडी बना के इन्होंने कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है। तो इसकी डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ कि कौन इसके लिए एलिजिबल है, कैसे अप्लाई करना है, और वीडियो को एंड तक देखिएगा, और डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक्स मैंने डाल दी हैं, सारे ब्रोशर और PDF आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो ये आप सॉरी हाँ तो ये है सेंटर फॉर एक्सेलेंस इन मैरिटाइम स्टडीज़। ये नया सेंटर है जो मुंबई यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया है। अब मुंबई में ही क्यों हुआ, क्योंकि आपको पता है वेस्टर्न जो कमांड है नेवी की, वहाँ के हेडक्वार्टर है। मर्चेंट नेवी का काफ़ी सारा एक्टिविटी मुंबई से ही चलता है, और दिल्ली के बाद एम्बेसीज या फॉरेन कॉन्सुलेट, हाई कमिश्नर के ऑफिस अगर कहीं हैं भारत में तो वो सबसे ज़्यादा मुंबई में है। कुछ बैंगलोर में भी है दो चार, बट मुंबई में ज़्यादा है दिल्ली से। तो अगर आप यहाँ से पढ़ाई करोगे तो आपको थियरी प्लस प्रैक्टिकल एक्सपोजर दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा। और मैं बता दूँ कि इस कोर्स में आपको इंडस्ट्रियल विजिट्स भी इन्होंने प्लान किया हुआ है, फील्ड वर्क आपको कंपलसरी होता है, तो वो काफ़ी एक्सपोजर आपको देगा। ये आप देखिए यहाँ पे चारों प्रोग्राम्स इन्होंने दिए हुए हैं। अगर कोई इतना बड़ा मास्टर्स नहीं करना चाहता 2 साल का, तो उसके लिए खाली PG डिप्लोमा है लॉजिस्टिक्स में। अगर आप ग्रेजुएट हैं और आप BSc में मान लो और आप ये डिप्लोमा करते हो, तो आप आगे जाके इंडियन नेवी की जो लॉजिस्टिक्स ब्रांच है उसके लिए एलिजिबल बन सकते हैं। अब क्योंकि कोर्स नया है तो एलिजिबिलिटी कुछ खास नहीं है, एनी बैचलर्स डिग्री, कोई भी ब्रांच की डिग्री चल जाएगी, लेकिन होगा ये कि आपका रिटर्न टेस्ट होगा या पर्सनल इंटरव्यू या दोनों हो सकता है। और जो सीट्स है वो 20 है, एंड बिकॉज मुंबई वाला ये जो यूनिवर्सिटी है ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है, तो यस रिजर्वेशन रूल्स भी अप्लाई होंगे। बाकी इसमें डिटेल्स हैं, लेकिन मैं आपको काम की चीज़ बता देता हूँ जो ब्रोशर में होती है। ये आप देखिए, ठीक है, फीस इसकी मैं आपको दिखा देता हूँ। फीस बहुत कम है, अगर आप फर्स्ट ईयर की फ़ी देखोगे तो 8,300 और दूसरे साल की 7,500 लगभग फ़ीस है। मुंबई जैसे शहर के मुकाबले ये बहुत सस्ती चीज़ है, बस आपको शायद आगे जाके बाहर का लाइक आपको देखना होगा रहने का या खाने पीने का। अगर आपको हॉस्टल मिल जाता है तो बहुत ही बढ़िया है। और MA जो मैरिटाइम स्टडीज़ का कोर्स है, बस उसकी फ़ी थोड़ी ज़्यादा है, वो 46,000 और 50,000 है। लोकेशन जहाँ पे यूनिवर्सिटी है और जिस तरह का एजुकेशन है उसके हिसाब से ये 50,000 भी जस्टिफाइड है, अदरवाइज बाकी कोर्सेज का तो ये नीचे फीस दिया हुआ है। अगर आप सिलेबस देखो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसमें मैरिटाइम क्लाइमेटोलॉजी, इंडिया की मैरिटाइम हिस्ट्री, रिसर्च पेपर, लॉजिस्टिक्स, जियो पॉलिटिक्स से लेके समुद्री के मामले में या समुद्री एक्टिविटीज़ के मामले में भारत में कायदे कौन से हैं, लॉज कौन से हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज़ क्या हैं, एक बहुत ही लाइक डाइवर्स सब्जेक्ट आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा। और ये मैं आपको दिखा देता हूँ जिस बॉडी की मैं बात कर रहा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप ये रहा कैप्टन कपिल बहल, ये इंडियन नेवी के हैं। वाइस एडमिरल अभय करवे, ये शायद उस दिन वेबिनार में ही थे।
प्रोफेसर बिमल पटेल ये हमारे यहाँ गांधीनगर में काम कर चुके हैं, परांजपे जी हैं, वसंत शिंदे जी हैं, तो इस पर्टिकुलर बॉडी ने, ये एडवाइजरी बॉडी है और इन लोगों ने ही ये कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है। सो ओवरऑल देखते हुए तो काफ़ी अच्छा स्कोप इसके लिए है और ये इनकी हेड ऑफ इन सेंटर हैं, सेंटर ऑफ मैरिटाइम स्टडीज़ की, आप इनसे भी डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वेबसाइट के ज़रिए। ऑफिशियल आपको ये जो ब्रोशर और बाकी नोटिफिकेशन हैं मैंने डाल दिए हैं अपनी टेलीग्राम ग्रुप पे, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसे आप खोल के देख सकते हैं, तो बाकी डिटेल्स आपको वहाँ से मिल जाएंगी। और ये जो बाकी तीनों कोर्सेज है इसमें भी 20 का ही इनटेक कैपेसिटी रखा हुआ है, तो आई विल सजेस्ट यू कि अगर आप थोड़ा अलग कुछ करियर करने में इंटरेस्टेड है, ना कि सिर्फ रेगुलर डिफेंस स्टडीज वाला, तो आप ज़रूर जाइए और इस कोर्स को परस्यू करिए। बाकी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है? तो अभी इस वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं। जय हिंद।